दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एलोवेरा के प्लांट के बारे में और दूसरा ये भी जानेंगे कि इस पेड़ की उत्पत्ति किस देश से हुई और ये पेड़ किस किस देश से संबंध रखता है। और दूसरा जानेंगे इस पेड़ को हम जब ग्रो करते हैं उस समय हमें इसकी केयर कैसे करनी चाहिए। और थर्ड हम बात करने वाले हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में और साथ में बात करेंगे डिसएडवांटेज जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि इसके एडवांटेजेस तो सब लोग बता देते हैं, परंतु या मैं यूँ कहूँ कि इसके डिसएडवांटेजेस बहुत कम देखने को मिलते हैं या कम बताए जाते हैं। बेसिकली होते जरूर हैं बट लेकिन आपके सामने वो फैक्ट्स आते नहीं है। सो आज हम उन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और आपको इस वीडियो के माध्यम से एलोवेरा से जुड़े हुए ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे जो शायद मुझे लगता है शायद आपको पता हो पर हो सकता है पूरे ना पता हो। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ये फैक्ट्स कौन से हैं। तो देर नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलोवेरा एक वर्ल्ड वाइड एक हर्बल प्लांट के रूप में यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फर्स्ट टाइम एलोवेरा के प्लांट का यूज एक हर्बल प्रोडक्ट के रूप में या एक हर्बल के रूप में फर्स्ट सेंचुरी में किया गया और इसको सभी सभ्यताओं ने, पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी सभ्यताएं हैं सभी ने इसको एक्सेप्ट किया और इस प्लांट को एक औषधीय रूप में यूज किया। फ्रेंड हमारे वेदों और पुराणों में इसके यूज का एक, या फिर यूं कहा जाए इसके हर्बल या औषधीय रूप का, या किस तरह से औषधि के रूप में से यूज किया जाए, इन सारी चीजों का वर्णन वेदों में किया गया है। और हमारे जो नए टेस्टामेंट हैं उनमें भी इसका जिक्र मिलता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले उत्तरी अफ्रीका में ये पेड़ पाया जाता है और इसके साथ ही यह अन्य देशों में भी पाया जाता है। यूं कहा जाए कि इसकी जो अन्य प्रजातियां हैं वो और अन्य देशों में पाई जाती हैं, जैसे कि मैं बात करूं अल्जीरिया, मोरक्को, निशिया और कैरेने द्वीप जैसे जगहों से भी रिलेटेड है। एलोवेरा की उत्पत्ति को लेकर एक दूसरा फैक्ट भी है। वो फैक्ट ये है कि ये ईस्ट ओमान के अल हजार पहाड़ियों में अल वेरा के नाम से पाए जाने वाले प्लांट को अलवेरा के नाम से जोड़ा जाता है और ये प्लांट एलोवेरा ही है। और इस प्लांट का पूरे विश्व में कहा जाता है कि ये प्लांट अरब से आया है। लेकिन दोस्तों कंफ्यूजन बहुत है, चलिए हम लोग जान लेते हैं। वर्ल्ड वाइड इसकी 275 प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी कि 275 प्रजातियां एलोवेरा की पाई जाती हैं। इसकी पहचान करना बड़ा आसान है और यदि इसकी और प्रजातियों की बात की जाए तो उनकी पहचान भी करना आसान है, क्योंकि सभी की सभी प्रजातियां कुछ कॉमन जैसी ही होती हैं। कुछ का कलर बिल्कुल डार्क एकदम ग्रीन होता है और उनके ऊपर स्लेटी कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं। और सभी में एक कॉमन चीज होती है जो कि इसकी लीव्स के किनारे पर आप देख पा रहे होंगे, ये छोटे छोटे टीथ यानी के कांटे होते हैं। दोस्तों 13 सेंचुरी में इस पौधे को एशिया में लाया गया और इसके साथ ही एशिया के सभी देशों जैसे कि भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और इसके साथ दक्षिण यूरोप के अलग अलग जगहों पर भी ये लाया गया। और देखा जाए तो विश्व में अब ये सब जगह उगाया जाने लगा है। जिस भी देश में शीतोष्ण या उष्ण कटिबंधीय है, आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जगहों पर इस प्लांट को आसानी से उगाया जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं ये किस फैमिली से आता है। ये इसकी फैमिली का नाम है एस्पैराग्लेस और सब फैमिली का नाम है एस्पोडिल्सी है। और इसका जो जीन्स यानी कि वंश है वो एलोए है। और साथ में फ्रेंड्स इसकी जो जाति यानी कि स्पीशीज है इसकी बात की जाए तो वो है ए वेरा। और साथ में दोस्तों इसकी अगर हम बात करें बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम या यूं कहें कि इसका वनस्पति नेम, तो फ्रेंड्स इसको एलोवेरा घृत कुमारी कंवर पाठा या एलोवेरा एलोवेरा और साथ में ग्वारकंद के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके कई सारे अलग अलग नाम हैं। तो ये था इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड इसी कैटेगरी में आता है। चाहे आप इसकी किसी भी प्रजाति को उठाएं वो प्रजाति
इसी से संबंधित होती है। अब फ्रेंड्स अब जान लेते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस तो इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि इसको बहुत सारी औद्योगिक कंपनियां एक हर्बल के रूप में यूज करती हैं, कॉस्मेटिक कंपनियां यूज करती हैं, स्किन के रूप में यूज किया जाता है, आप इसका जूस के रूप में यूज किया जाता है, इसको अलग अलग तरीकों से इसका एडवांटेजेस लिया जाता है। शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट्स इसका सेवन करते हैं। और ये सारे एडवांटेजेस कोई भी जो भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है या फिर आयुर्वेद हर्बल में, ये सारे बेनिफिट्स जो आप इससे लेते हैं वो सिर्फ इसमें पाए जाने वाले कंपाउंड के कारण होता है, जो कि इसके जेल में पाया जाता है। वो कंपाउंड जैसे कि मन्नास इसमें पाया जाता है और एथ्रा क्यूई नोनेज इसमें पाया जाता है और लिक्टिन जैसे कंपाउंड इसके अंदर मिक्स होते हैं। और इसका जो जेल है, ये जेल इन कंपाउंड के मिक्स होने की वजह से हमें बेनिफिट्स देता है। लेकिन फ्रेंड्स यदि इसी जेल का ज्यादा मात्रा में यूज किया जाए तो ये आपको हानि पहुंचा सकता है। हम बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। इसकी यदि आप अधिक मात्रा का जो यूज करते हैं, यदि आप स्किन पर लगा रहे हैं तो आपकी स्किन पर एलर्जी हो सकती है। यदि आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत या फिर आपके गले में सूजन हो सकती है। एलोवेरा प्रजातियों में एक प्रकार का सेमी लिक्विड लेटेक्स पाया जाता है, जो एक कंपाउंड है जो कि इसके जेल में पाया जाता है। और जो मैंने आपको बताए हैं उन कंपाउंड में से ये भी एक कंपाउंड है जो इसके अंदर पाया जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स इसको मैंने डिसएडवांटेजेस वाली कैटेगरी में रखा, क्योंकि ये सेमी लिक्विड लेटेक्स जो है बहुत ज्यादा जहरीला होता है, या इसको यूं कहे कि विषक्त होता है। अब हम बात करेंगे एक केस स्टडी की जो कि अमेरिका की है। अमेरिका में सन 2002 तक ये सेमी लिक्विड लेटेक्स जो कि अमेरिका में बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स का एक पार्ट था, बट जिसका सेफ्टी डाटा वहां के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो अपने हर्बल प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में एलोवेरा का यूज कर रहे थे, वो इसका सेफ्टी डाटा अमेरिकी गवर्नमेंट को नहीं दे पाए। तो इसके कारण अमेरिका में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको प्रॉपरली बैन कर दिया, क्योंकि इसमें पोटेंशियल टॉक्सिसिटी यानी कि विषक्तता, या यूं कहा जाए कि एक प्रकार का जहरीला पदार्थ होता है, इसीलिए इसको फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका में इसको प्रॉपरली बैन कर दिया। क्योंकि गवर्नमेंट का और साइंटिस्ट का ये मानना था कि इसकी अधिक मात्रा का साइड इफेक्ट होता है, जिससे पेट में दर्द, हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स को ये खत्म करने के बजाय बढ़ाता है। यदि आप इसकी पर डे 1 ग्राम खुराक अपना वजन कम करने या फिर यूं कहा जाए अपने हार्ट या किडनी से संबंधित प्रॉब्लम के लिए लेते हैं, तो ये आपको इफेक्ट करने के बजाय साइड इफेक्ट करेगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी केयर कैसे की जाए। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि विंटर के मौसम में मैक्सिमम जितने भी प्लांट्स हैं वो सर्दी की वजह से इफेक्टेड होते ही होते हैं। मैं बात करूं इंडिया की, सो फ्रेंड्स इंडिया में यदि आपका प्लांट यानी कि यदि आपका एलोवेरा कुछ इस तरीके का हो जाए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं थोड़ा पीला, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपने अपने प्लांट को अभी बाहर यानी के आउटर में रखा हुआ है। वैसे मोस्टली इसको फुल सनलाइट की आवश्यकता होती है, बट लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि दिसंबर से लेकर के फरवरी तक यानी के फरवरी के फर्स्ट वीक तक आप अपने प्लांट को किसी शेड या किसी छत के नीचे आप उसको रख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, आप इसमें हफ्ते में या 15 दिन के अंदर इसमें पानी डाल सकते हैं, और इसको खाली हल्के से मॉइस्चर की जरूरत होती है। आप बिल्कुल भी इसमें परेशान ना हो कि इसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है। बस आपको करना इतना है कि सिर्फ और सिर्फ दिसंबर से फरवरी तक अपने प्लांट को बचाना है, और उस फिर बाद में आप इसको चाहे तो आउटर में रख सकते हैं यानी कि आउटडोर में रख सकते हैं, और धूप इसको पूरी चाहिए होती है। और फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस जानकारी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको दोस्तों अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं, और साथ में बेल आइकन पर जब आप प्रेस करेंगे तो ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।